गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सरकार एग्जाम में फ्रेंड्स स्वागत है। फ्रेंड्स, UPSC का सॉल्व पेपर है जो 2021 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, इसका 134 क्वेश्चन है। मुंह से दुर्गंध के संदर्भ में निम्न सभी कथन सही है सिवाय को छोड़ करके। ए है गंदा श्वास, बी है गंध पैदा करने वाले जीवाणु, सी है कार्बन यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु, डी है गंधा के यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु। फ्रेंड्स, इसका आंसर सी है, कार्बन यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृत्यु के बाद कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। फ्रेंड्स, ए है 7 दिन, बी है 14 दिन, सी है 21 दिन, डी है 28 दिन। इसका आंसर सी है, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट्रिकल संकुचन के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है। ए है स्ट्रोक वॉल्यूम, बी है कार्डियक आउटपुट, डी है हार्ट रेट। फ्रेंड्स, इसका आंसर ए है, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम MTP अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ। ए है 1981, बी है 1990, सी है 1971, डी है 2000। फ्रेंड्स, इसका आंसर सी है, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग का मुख्य लक्षण कौन सा है। ए है पूर्व स्मृति का क्षय, बी है हाल की स्मृति का क्षय, सी है पूर्व व हाल की स्मृति का क्षय, डी है संपूर्ण स्मृति का क्षय। फ्रेंड्स, इसका आंसर सी है, पूर्व व हाल की स्मृति का क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबिया किसका अंतरिजित या अनावश्यक रूप है। ए है भय, बी है क्रोध, सी है चिंता, डी है प्यार। फ्रेंड्स, इसका आंसर ए है, भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड के किस लेवल पर दिया जाता है। ए है L2 L4 से, बी है L3 से L4, सी है L5 से L6, डी है L1 से L2। इसका आंसर बी है, L3 से L4। RT-PCR का अर्थ है, ए रियल टाइप पॉली मेरेज चेन रिएक्शन, बी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉली मेरेज चेन रिएक्शन, सी है रिंग टाइप पॉली मेरेज चेन रिएक्शन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में गर्भ स्पंद की शीघ्र कब महसूस होता है। ए है 12 सप्ताह, बी है 14 सप्ताह, सी है 16 सप्ताह, डी है 18 सप्ताह। फ्रेंड्स, इसका आंसर डी है, 18 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये सूची दी हुई है इसमें, ए है इडियट, बी है इमेफसाइट, सी है मोरोन, डी है सामान्य। फ्रेंड्स, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तों पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर कीजिए। ए है विकासशील देशों में अप्रयुक्त विशेष सूखी देखभाल के MSC के महत्वपूर्ण विधियार है, यह विधि अप्रयुक्त शिशु के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने में, शारीरिक वृद्धि में एक संक्रमण दर को कम करने में सहायता करता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकता है। इसका आंसर ए है, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि व विकास कथन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर सी है, बोथ।
ए व दो, दोनों सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMPA एक इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाला गर्भ निरोधक है जो कितने अंतराल पर दिया जाता है। इसका आंसर सी है, प्रत्येक 3 माह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन अवसी मानकों के अनुसार सत्य है। इसका आंसर डी है, प्रत्येक कमरे में 6 फीट ऊंचाई की 2 दरवाजे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्राव रोधी विटामिन है। इसका आंसर डी है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव में सिवाय एक को छोड़ करके। इसका आंसर डी है, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एंटीसेप्टिक व कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर बी है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा संकेत किसी व्यक्ति में एडेट्स का सूचक हो सकता है। इसका आंसर डी है, CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 प्रति क्यूब मिलीमीटर से कम होना, मिलीलीटर से कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। इसका आंसर बी है, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल फैलाव जिसे डायलेशन किस किसको कहते हैं। इसका आंसर सी है, 10 सेंटीमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है। इसका आंसर बी है, जांघ के बाहरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस के मिड सेप्ट के टूटने पर निम्नलिखित में से किस तंत्रिका को चोट लगने की संभावना होती है। फ्रेंड्स इसका आंसर डी है, रेडियल तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वास्थ्य समस्या में प्रकाश चिकित्सा लाभदायक हो सकती है। इसका आंसर सी है, नवजात पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियार गर्भपात भी है गर्भाशय का धनुष्ट भी संकुचन सी ए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डी ए ऑक्सीटोसिन। फ्रेंड्स इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्राइटिस पैदा करने वाला मुख्य जीवाणु कौन सा है। इसका आंसर बी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसका आंसर डी है, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मल से प्रदूषित जल का सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है। फ्रेंड्स इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसवोत्तर रक्त स्राव का मुख्य कारण कौन सा है। इसका आंसर ए है, एक्टोनिक यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें फिर से एक सूची दी हुई जो कि पूछ रहा है कि एक प्रेरणा बी है निराशा सी है टकराव डी है तनाव। फ्रेंड्स इसका आंसर ए है, 4321। ए का फ्रेंड्स 4 है,
और भी निराशा का किसी इच्छा या आवश्यकता को अवरुद्ध करना। डी सी है टकराव। टकराव का है व्यक्ति में दो या अधिक विरोधाभासी इच्छा को होना। और डी है तनाव। तनाव का है ए मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फेटिक तंत्र का भाग नहीं है? फ्रेंड्स इसका आंसर डी है अग्नाशय। क्वेश्चन है, मैकवंसाइन किस बीमारी में पाया जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? फ्रेंड्स इसका आंसर बी है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स इसका आंसर डी है, विश्व के ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका योगदान नहीं के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दवाओं के द्वारा एक्स्ट्रा पिरामिन लक्षण इनके दुष्प्रभाव के रूप में उत्पन्न होते हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनाग्रस्त एक बेहोश व्यक्ति में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? फ्रेंड्स इसका आंसर ए है श्वास नली का साफ होना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड थैंक यू।